यादगार लम्हों के लिए प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। 7 जनवरी 1957 को जन्मी हिंदी सिनेमा की 80 और 90 के दशक की मशहूर अदाकारा रीना रॉय 60 साल की हो चुकी हैं। रीना फिल्मों से रिटायर हो चुकी हैं, पर कभी ऐसा भी था जब रीना रॉय के स्टारडम की चमक सिनेमा स्क्रीन पर बिखरा करती थी। रीना रॉय की चर्चा अक्सर उनके और शत्रुघ्न सिन्हा के रिलेशनशिप को लेकर होती है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा से रीना बे इंतहा प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, पर शॉटगन ने पूनम से शादी कर ली थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना रॉय उनसे शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा काफी इमोशनल एक बार हो गए थे, और कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त फूट फूट कर रोए भी थे। पर यहां हम इन दोनों के रोमांस की बातें नहीं करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रीना रॉय को जरूरत गर्ल के रूप में पुकारा जाने लगा था। रीना रॉय को अपने जमाने की काफी बोल्ड अदाकारा माना जाता है, शायद इसीलिए उन्होंने बी आर इशारा की फिल्मों के जरिए अपना करियर शुरू किया था, क्योंकि बी आर इशारा बी ग्रेड की फिल्मों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। रीना रॉय की बी आर इशारा के साथ पहली फिल्म तो कुछ खास नहीं कर पाई, बावजूद इसके बी आर इशारा ने रीना रॉय को अपनी अगली फिल्म जरूरत के लिए साइन कर लिया। जरूरत भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं कर पाई, पर जरूरत ने रीना रॉय को एक उपनाम दे दिया, जरूरत गर्ल का। साल 1973 में रीना रॉय की अभिनेता जितेंद्र के साथ फिल्म जैसे को तैसा रिलीज हुई। यह फिल्म रीना रॉय के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद रीना रॉय के फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। 1976 रीना रॉय के करियर के लिए बड़ा अहम पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि इसी साल उनकी नागिन और कालीचरण जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद 1977 में प्रदर्शित फिल्म अपनापन रीना रॉय के करियर की उल्लेखनीय फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए रीना रॉय को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। रीना रॉय की जोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त के साथ काफी पसंद की गई। रीना रॉय ने 70 और 80 के दशक में अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। रीना रॉय आखिरी बार नजर आई थी जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में।